नमस्कार साथियों, तो बात करते हैं अगले अपने यूनिट पर। और अगली जो यूनिट अपनी वो है होज फिटिंग। होज फिटिंग पर बात करते हैं दोस्तों, और होज फिटिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिनमें से पहला जो प्रश्न है वो ये रहा। होज फिटिंग में प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जो होज फिटिंग में उपयोग में लिया जाता है। तो यहां पर आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला जो विकल्प दिया गया है वो दिया गया है कपलिंग। बिल्कुल, कपलिंग भी होज फिटिंग में उपयोग में आती है, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग। कनेक्टिव हेड, बिल्कुल कनेक्टिव हेड के द्वारा भी हम जो है वो होज को फिट करते हैं, जोड़ते हैं। ब्रिचिंग्स, ब्रिचिंग के द्वारा भी हम होज को जोड़ते हैं। तो होज को कनेक्ट करने में, होज को फिट करने में, होज को जोड़ने में कपलिंग, कनेक्टिंग हेड, ब्रिचिंग तीनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए सही जवाब हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है। उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न के लिए सही जवाब अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पड़ाव डालते हैं, प्रश्न संख्या दो की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा प्रश्न संख्या दो आपके सामने। तो ये आ गया है प्रश्न संख्या दो। दो होज को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। इसने पूछा कि दो होज को आपस में अगर जोड़ेंगे, जैसे एक होज ये है और एक होज ये है, इन दोनों होजों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या चाहिए, कनेक्टिंग चाहिए, बिल्कुल कनेक्टिंग चाहिए, कपलिंग चाहिए, या ए और बी दोनों चाहिए, या ब्रिचिंग चाहिए। होज फिटिंग के लिए तो कनेक्टिंग भी उपयोग आता है, ठीक है, कपलिंग भी उपयोग में आता है, ब्रिचिंग भी उपयोग आता है। लेकिन ये कह रहा है कि केवल दो होजों को आपस में जोड़ना है, तो दो होजों को आपस में जोड़ना है तो यहां पर हम उपयोग में लेते हैं कपलिंग, मेल और फीमेल कपलिंग उपयोग में लेते हैं। तो इसके लिए जवाब केवल क्या होगा, कपलिंग होगा। यह कह रहा है कि दो होज को जोड़ना है। अगर होज फिटिंग की बात करता तो होज फिटिंग के अंदर तो क्या करते हैं, होज फिटिंग के अंदर तो सभी उपकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल दो होजों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो यहां पर कपलिंग हमारा सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीन, वो ये रहा। कपलिंग का वह भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है, तो कपलिंग का वो भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है, जो अंदर फिट करता है, देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अंदर फिट करता है वो तो होता है कौन, फीमेल कपलिंग। जो अंदर फिट करता है वो तो कौन होता है, वो होता है फीमेल कपलिंग। तो प्रश्न संख्या तीन के लिए सही जवाब हो जाएगा फीमेल कपलिंग। तो अंदर फिट करेगा वो फीमेल कपलिंग, और जो फिट होएगा वो कहलाएगा मेल कपलिंग। ठीक है, तो मेल कपलिंग फिट होता है, फीमेल कपलिंग फिट करता है। तो इस तरह से जो होता है उसके अंदर, जिसके अंदर फिट हो रहा है वो फीमेल, और जो फिट हो रहा है वो मेल कपलिंग है। ठीक है, तो फीमेल कपलिंग हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है प्रश्न संख्या चार, और प्रश्न संख्या चार है दोस्तों, रिवॉल्विंग हेड ब्रांच बने होते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न पूछा है कि रिवॉल्विंग हेड ब्रांच, तो रिवॉल्विंग हेड ब्रांच जिनका, ऐसी ब्रांच जिनका हेड जो है वो रिवॉल्विंग होता है, घूमने वाला होता है, वो किसके बने होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो वो लोहे, स्टील, गन मेटल या एल्यूमिनियम में से किसके बने होते हैं ये बताइए फटाफट से, हम बताएंगे इसका जवाब। दोस्तों लोहे का बनाएंगे तो जर आ जाएगी ना उसमें, ठीक है, और जब जंग आ जाएगी, जर आ जाएगी, ठीक है, जर आ जाएगा वो, यानी कि उसमें जंग आ जाएगी तो खराब हो जाएगा। स्टील के भी नहीं होते हैं, वो होते हैं गन मेटल के। किसके होते हैं, गन मेटल के होते हैं, जिससे उनमें हानि होने की संभावना कम होती है, गिरने पर टूटने उठने का नुकसान उनमें नहीं होता है। ठीक है, तो रिवॉल्विंग जो हेड ब्रांच होती है, घूमने वाली हेड वाली जो ब्रांच होती है, वो गन मेटल की बनी होती है। प्रश्न संख्या पांच, अधिक धुआं वाली आग के लिए बनाया गया विशेष उपकरण क्या है। अधिक धुआं वाली आग के लिए बनाया गया विशेष उपकरण, सेलर पाइप, रिवॉल्विंग हेड ब्रांच, कपलिंग और रेडियन ब्रांच। तो जब भी अधिक धुआं वाली आग के लिए बनाया गया विशेष उपकरण पूछे तो वो कहलाता है सेलर पाइप। क्या कहलाता है दोस्तों, सेलर पाइप। अधिक धुआं वाली आग के लिए उपकरण पूछे तो उसका नाम हो जाएगा सेलर पाइप। तो याद रखिए, रट लीजिएगा बार बार पढ़ के कि सेलर पाइप होगा, क्या होगा, सेलर पाइप होगा। ठीक है, चलिए होज फिटिंग का प्रश्न संख्या छह ये रहा आपके सामने। होज फिटिंग का प्रश्न संख्या छह आ गया आपके सामने। ठीक है, जवाब देना आपको। प्रश्न कुछ यूं है कि होज पाइप के अंतिम सिरे पर, होज पाइप जो होता है उसका जो आखिरी सिरा होता है
उस सिरे पर प्रयुक्त होने वाला फिटिंग उपकरण क्या कहलाता है? होज पाइप के अंतिम सिरे पर, जो आखिरी जो सिरा है दोस्तों, उस आखिरी सिरे पर प्रयुक्त होने वाला जो फिटिंग उपकरण है वो क्या कहलाता है? एडॉप्टर कहलाता है, या फिर वो ब्रांच कहलाता है, या फिर वो रिंच कहलाता है, या फिर नोजल कहलाता है। कहां पूछा है आपसे? ये कह रहा है होज पाइप के अंतिम सिरे पर, लास्ट सिरे पर बात कर रहा है। और अंतिम सिरे पर जो होता है वो कौन होता है? तो बताया था मैंने आपको, वो होती है ब्रांच। कौन होती है? अंतिम सिरे पर ब्रांच जुड़ी होती है। क्लियर? यस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 ये रहा आपके सामने कि दो होज को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। दो होज पाइप है और दो होज पाइपों को, अभी ये प्रश्न एक तरह से रिपीट हुआ, ये मान लीजिएगा। दो होज पाइपों को जोड़ने के लिए भी बताया था मैंने कपलिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें एक होती है मेल कपलिंग और एक होती है फीमेल कपलिंग। क्या होती है? फीमेल कपलिंग। जो फिट होता है वो मेल कपलिंग, जिसमें फिट होती है वो फीमेल, सॉरी, जो फिट होता है वो मेल और जिसमें फिट होता है वो फीमेल कपलिंग। तो जवाब हो जाएगा अपना बी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर पड़ाव डालते हैं। और ये रहा अपना क्वेश्चन संख्या 8 स्क्रीन पर। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि कपलिंग का वह भाग, क्या कह रहा है कि कपलिंग का वह भाग जो, कपलिंग का वह भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है, कपलिंग का वह भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है, तो जो फिट करता है वो फीमेल होता है। कौन होता है? फीमेल कपलिंग होता है। क्या कह रही है? कि कपलिंग का वह भाग जो दूसरी कपलिंग को अपने अंदर फिट करता है क्या कहलाता है? फीमेल कपलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फीमेल कपलिंग। ठीक है, वह कपलिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये रहा प्रश्न संख्या 9। ठीक है, कि वह कपलिंग जो भारत में डिलीवरी होज तथा पंप आउटलेट के लिए उपयुक्त होता है, वह कौन सा कपलिंग है जो हमारे भारत के अंदर अग्निशमन के दौरान डिलीवरी होज जो होती है उस पे और जो पंप का आउटलेट होता है उसके लिए प्रयुक्त होती है, वो कपलिंग कौन सी है? डिलीवरी होज के आखिरी भाग पे और पंप के आउटलेट पर जिसका उपयोग किया जाता है उसके लिए पूछा है, तो वो होती है दोस्तों इंस्टाटेनियस कपलिंग। क्या होती है? इंस्टाटेनियस कपलिंग होती है। क्या होती है? इंस्टाटेनियस कपलिंग होती है। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इंस्टाटेनियस कपलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। और ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि पंप इनलेट तथा सक्शन होज में प्रयोग की जाती है। प्रश्न को पढ़ लो, यहां पर विकल्प आगे की ओर है इसके, कि पंप का जो इनलेट होता है जहां से पंप में पानी आ रहा है वहां पर, और सक्शन होज में जहां से पानी आ रहा है वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि फीमेल कपलिंग का, मेल कपलिंग का, इंस्टेंटेनियस कपलिंग का, या राउंड प्रेडेट कपलिंग का, या राउंड प्रेडेट कपलिंग का। ध्यान रहे बात कहां की कर रहा है, अगर ये बात करता आउटलेट पर तो आउटलेट पर तो हम किसका उपयोग करते हैं? इंस्टेंटेनियस कपलिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन ये कह रहा है इनलेट पर, जहां से पंप में पानी आ रहा है वहां और जहां सक्शन के अंदर पानी आ रहा है वहां, तो वहां पर उपयोग करते हैं हम किसका? राउंड प्रेडेट कपलिंग का। किसका? राउंड प्रेडेट कपलिंग का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 11 ये लीजिएगा दोस्तों आपके सामने, ये आ गया प्रश्न संख्या 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कि वह ब्रांच जो धार के रूप में, जेट के रूप में पानी को फेंकता है और जिसे पकड़ने वाला नियमित नहीं कर सकता, यानी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता, जो ब्रांच होल्डर है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या कहलाएगी? प्रश्न को फिर पढ़ लो, अच्छा प्रश्न है, शानदार है। फिर समझा रहा हूं, वह ब्रांच जो जेट या पानी को धार के रूप में फेंकता है, ठीक है, या धार के रूप में पानी फेंकता है
और जिसे पकड़ने वाला व्यक्ति नियमित नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी हस्त नियंत्रित ब्रांच नहीं है तो वो क्या होगी? हॉस्ट्रिल ब्रांच नहीं। हॉस्ट्रिल ब्रांच हैंड कंट्रोल लगा होता है, फुआर ब्रांच पे भी लगा होता है। ऑर्डिनरी ब्रांच जो होती है वो क्या नहीं होती है, वो पकड़ने वाले के द्वारा, जो ब्रांच होल्डर होता है उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 12, हैंड कंट्रोल ब्रांच को जाना जाता है। तो दोस्तों जो हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है उसको डिफ्यूजर ब्रांच कहते हैं, या लंदन ब्रांच कहते हैं, या फिर ए और बी दोनों कहते हैं, या इंडियन ब्रांच। देखो हैंड कंट्रोल ब्रांच का मतलब हो गया कि ऐसी ब्रांच जिनको ब्रांच ऑपरेटर जो है वो कंट्रोल कर सकता है, यानी उस ब्रांच में ही आपके लीवर लगा होगा जिससे आप उसको खोल सकते हैं, उसमें से पानी के बहाव को बंद कर सकते हैं। ऐसा काम जो ब्रांच होल्डर है, जिसने ब्रांच को पकड़ा हुआ है, जो ब्रांच उपयोग में ले रहा है, वह व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसी ब्रांच जो हैंड कंट्रोल है, हाथ से कंट्रोल की जा सकती है, वो इंडियन ब्रांच नहीं होती है, वो डिफ्यूजर ब्रांच भी नहीं होती है। ठीक है, जब ए नहीं है तो ये भी जवाब नहीं है, वो होती है लंदन प्रकार की ब्रांच कहलाती है, जिसको लंदन ब्रांच भी कहते हैं। जवाब हो जाएगा अपना बी। क्या हो जाएगा? हैंड कंट्रोल ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उनको जाना जाता है लंदन ब्रांच के नाम से। किस नाम से? लंदन ब्रांच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि जब हैंड कंट्रोल, ये हैंड अभी हैंज नहीं है, ये हैंड है, जब हैंड कंट्रोल ब्रांच को, किसको? हैंड कंट्रोल ब्रांच को अचानक बंद कर दिया जाए तो पानी की वेलोसिटी बदलती है, बदलेगी। अब ये पूछना चाह रहा है बदलेगी तो ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा मामला, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 13 में। ठीक है, कि जब हैंड कंट्रोल ब्रांच को अचानक से बंद कर दे तो पानी की वेलोसिटी बदलती है फुहार में या फिर प्रेशर एनर्जी में। ये बी विकल्प, ये सी है। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। प्रेशर एनर्जी में या इनमें से कोई नहीं, जवाब देना है आपको प्रश्न संख्या 13 के लिए। दोस्तों ये सी करो इसको, ए व सी। ठीक है, तो जब भी हम हैंड कंट्रोल ब्रांच को अचानक से बंद कर देंगे तो उसमें से पानी निकलना बंद हो जाएगा, तो पानी का जो बहाव था उसका प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो वो बदल जाएगा प्रेशर एनर्जी में। किसमें बदल जाएगा? प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में बदल जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 पर हम विचार करते हैं। लीजिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 आ गया है आपके सम्मुख। होज फिटिंग में प्रयुक्त उपकरण है, होज फिटिंग में प्रयुक्त उपकरण आपको बताना है कौन सा है। कनेक्टिंग हेड है, कपलिंग है, ब्रिचिंग है, या उपरोक्त सभी है। फिटिंग की बात कर रहा है, दो होज को जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। दो होज की, होज को जोड़ने की बात करेगा वहां तो कपलिंग आएगा केवल, लेकिन यहाँ होज फिटिंग की बात कर रहा है तो कनेक्टिंग हेड भी उपयोग में आएगा, कपलिंग भी उपयोग में आएगा, ब्रिचिंग भी उपयोग में आएगा। इसका मतलब उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 15 पर चर्चा करते हैं कि जब हैंड कंट्रोल ब्रांच को अचानक बंद किया जाता है तो पानी वेलोसिटी बदलती है। प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है, और जवाब है इसका प्रेशर एनर्जी। रिपीट हो गया, जस्ट कुछ ही देर पहले ये प्रश्न आया था, सेम प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हुआ है, ये ध्यान रहे। तो ये थे दोस्तों अपने होज फिटिंग वाली यूनिट के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनसे आप लोगों को ये आभास होता है कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ऐसे ही आने हैं, ऊपर से नहीं आने, यहीं से बनने, जो सिलेबस है उसके अंदर से आप लोगों के लिए प्रश्न बनेंगे, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी को अच्छे से रखने की आवश्यकता है। जितने भी वीडियो क्लास ऐप पर आप लोगों को दी गई है, आप लोगों ने अपना कोर्स परचेज किया था उसके अंदर आपको जितने भी वीडियो क्लासेस पढ़ाई गई है 45-50 के समथिंग, उन सभी वीडियो क्लासेस को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न इनको भी अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में अगली यूनिट के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।